लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो रूलिंग हुआ है, जो नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें टूट की बात कहीं नहीं है। उसमें यह है, हम लोगों ने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को दिया था 5 सांसद मिलकर कि हमारे दल में लोकतंत्र खत्म है और प्रजातंत्र में नेतृत्व परिवर्तन की गुंजाइश है। इसीलिए सर हम लोग आपसे आए हैं ये कहने के लिए कि हमारे दल में जो तानाशाही व्यवस्था है, आप नेतृत्व परिवर्तन की मांग हम लोग करते हैं। उन्होंने अपने सचिवालय को हम लोग के लिखा हुआ कागज़ उन्होंने दिया और सचिवालय ने उसकी छानबीन की। ये 13 जून की घटना है। 14 जून को सचिवालय के द्वारा नोटिफिकेशन हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद हैं, जिसके नेता संसदीय दल के नेता चिराग पासवान जी हुआ करते थे, अब वो संसदीय दल के नेता नहीं रहे और 6 सांसदों का संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस जी को बनाया। चिराग पासवान अभी भी कह रहे हैं, कैमूर में कल उन्होंने कहा है कि असली पार्टी हम ही हैं, हमारे पास सिंबल है और हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो फिर आप हमसे पूछते क्यों हैं? जब चिराग पासवान पर इतना आपको विश्वास है तो चिराग पासवान से पूछ लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष की बात देश मानेगा कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की बात मानेगा? लिखतम के सामने वक्तम काम करता है। ये देश के संविधान के तहत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दल बदल विधेयक कानून को में संशोधन करते हुए लोकसभा और कैबिनेट से पास किया और संविधान में संशोधन हुआ कि 2/3 बहुमत जिस दल में रहेगा, यदि अध्यक्ष तानाशाह हो जाए, अध्यक्ष निरंकुश हो जाए, तो 2/3 सदस्य मिल के वो अलग ग्रुप बनाएगा तो उसको टूट नहीं माना जाएगा। और यहाँ 2/3 किया 6 में तो हम 5 हैं, समझे ना? ये टेक्निकल बात है। इसलिए उसमें चिराग पासवान जी क्या बोलते हैं, पशुपति कुमार पारस जी क्या बोलते हैं, उसके तरफ आप मन देखिए, देश का संविधान क्या कहता है वो देखिए। तो क्या माना जाए कि भविष्य में चाचा भतीजा एक हो सकते हैं? आपके प्रश्न का मैं जवाब ही नहीं दूंगा। मैं बोल दिया हूँ कि सूरज पश्चिम उगेगा फिर भी एक हम नहीं होंगे। आप नहीं सुनते हो अखबार, टी वी नहीं पढ़ते क्या? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? फिर ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हो यार? ऐसा प्रश्न मत पूछो। मैंने बोल दिया तो बोल दिया। प्रेस मीडिया के मन में ऑल इंडिया न्यूज़ को बोला है, मैं बोल चुका हूँ कि अब क्या बरसा जब कृषि सुखाने, जब खेत में फसल सूख जाए तो बरसा होने से कोई फायदा होगा? नहीं होता है। तो वो स्टेज ख़त्म हो गया। अब जितने लोग लाखों जो वर्कर है हमारा बिहार में, जिसने हम पर विश्वास किया है, 5 सांसद मुझ पर विश्वास किया, क्या उसका हम गला काट देंगे क्या? नहीं काटेंगे। इसलिए बहुमत का राज है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अब वो संभव नहीं है, असंभव चीज़ है। आपने अपने जान को खतरा ये बताया, आपके क्षेत्र में जाने पर आपके साथ कालिख वगैरह भी फेंका गया था, तो क्या आप चाहते हैं, क्या कहेंगे? वो असामाजिक तत्व के द्वारा ये मुझ पर फेंका गया, वो जला हुआ मोबिल था और उसमें उसने तेजाब डाला। जब जान लीजिए, इसका उदाहरण इसलिए तेजाब डालने की बात है कि जो कपड़ा हम लोग पहने हुए थे, वो कपड़ा आज भी ड्राई क्लीनर्स में है, वो कपड़ा जहाँ जहाँ तेजाब का छींटा पड़ा वो जल गया। तो ये हमारी लोकप्रियता को देखते हुए, उस दिन अपार भीड़ थी एक ज़माने में जब स्वर्गीय पासवान जी हाजीपुर जाया करते थे, तो वो जो माहौल हुआ करता था वही माहौल उस दिन भी था। तो ये हमारी लोकप्रियता को देखते हुए उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत ये लोगों ने कुछ लोगों को बुला करके और इस तरह का घटना करने का प्रयास किया। लेकिन सबके ऊपर में भगवान है, हमको कुछ हुआ नहीं, बचना था मैं बच गया। लेकिन इस षड्यंत्र के तहत रहा और इसके लिए मैंने बिहार पुलिस प्रशासन, हाजीपुर के पुलिस प्रशासन को मैं उसी दिन इतला किया हूँ कि ये आपकी विफलता है, आप इसकी जाँच कराओ और जाँच में जो दोषी लोग है आप उसको पनिशमेंट दो। उसके दूसरे तीसरे दिन ही दिल्ली के हमारे मोबाइल नंबर पर भी टेलीफोन आया, अननोन टेलीफोन था, जिस जो टेलीफोन नंबर था उसमें मैंने पार्लियामेंट्री थाना को भी उसकी सलाह दे दिया और मैंने भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी को भी मैंने लिखा कि इस तरह की घटना आप इसकी जाँच कराओ। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं उसी दिन मैं पत्र लिखा हूँ, इस तरह की घटना घटी है। आज आप मुख्यमंत्री से मिलने भी जा रहे हैं, तो क्या इन बातों को भी रखेंगे? निश्चित रूप से रखेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ, उसका उसमें कई कारण है। एक तो हमारा विभाग से रिलेटेड मामला है,
मैं यहाँ एक विभाग में, विभाग के द्वारा एक ऑफिस कार्यालय खोलना है, उसके संबंध में मैं बात करूँगा। और बहुत सी बातें हैं, राजनीतिक बात है, और हम पर जो हमला हुआ या हमारे कार्यकर्ताओं पर जो बार बार हमला हो रहा है, जैसे केशव सिंह जी हैं, सुनील सिन्हा है, महताब आलम है, इन लोगों को भी धमकी दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी भी मैं जिक्र करूंगा। एक अंतिम सवाल करेंगे, क्योंकि हाजीपुर संसदीय जो क्षेत्र है वो खासकर लोजपा या यूं कहें रामविलास पासवान जी के परिवार से ही जुड़ा रहा है। आप भी अभी सांसद हैं वहाँ से, आपके बड़े भाई भी कई बार सांसद वहाँ से रह चुके हैं, लेकिन अब इन दिनों देखा जा रहा है कि जब से चिराग पासवान अलग हुए हैं, अब चिराग पासवान आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो क्या यह माना जाए कि जमुई की जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, इस वजह से वो आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, या ये यूं कहें कि आपको नीचा गिराने या दिखलाने के लिए वो आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं? ये प्रश्न आप चिराग पासवान जी से पूछिए कि जमुई छोड़ के वो हाजीपुर क्यों आ रहे हैं। बैठे हम आप लोगों को भी देंगे। आप ये चिराग पासवान जी से पूछिए कि आप जमुई छोड़ के हाजीपुर क्यों आ रहे हैं। मैं तो हाजीपुर में विगत 44 वर्षों हो गया। अब पासवान जी स्वर्गीय पासवान जी 77 में हाजीपुर तो सांसद है, हल्ला नहीं करो भाई, 77 में हाजीपुर के सांसद बने थे और 2019 तक वो हाजीपुर के सांसद रहे, और टोटल काम मैं ही करता था, इसलिए हाजीपुर की जनता मुझको पहचानती है ना। अब चिराग पासवान जी जमुई छोड़ के हाजीपुर क्यों आए, क्यों आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में घूम घूम के, ये तो आप उनसे पूछिए। ये मामला चिराग पासवान जी से रिलेटेड है, मेरे हमसे रिलेटेड नहीं है। एक अंतिम सवाल, यूपी में चुनाव होने वाला, तो क्या आप लोग चुनाव लड़ेंगे एनडीए के साथ में जाकर, क्या उसमें क्या तैयारी है आपकी? हम एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ हैं, और भविष्य में भी हम एनडीए के साथ रहेंगे। एनडीए गठबंधन में यदि मुझको सीट मिलेगा तो हमारी पार्टी लड़ेगी, नहीं मिलेगा तो मैं एनडीए का समर्थन करूँगा जरूर। तो बिल्कुल, पशुपति कुमार पारस ने साफ तौर पर बताया है कि एनडीए के साथ हैं, और उत्तर प्रदेश में अगर एनडीए के गठबंधन में अगर सीट मिलती है तो चुनाव लड़ा जाएगा, अन्यथा एनडीए का सपोर्ट किया जाएगा। फिलहाल पटना सिटी, भारत के लिए राहुल सिंह।